सर आपको कस्टडी से रिहा किया जा रहा है, आपके ऊपर सभी लगे हुए चार्जेस हट गए हैं। हट गए? ऐसे कैसे हट गए? केस वापस ले लिया? नहीं सर, सही में हमने आपके बेगुनाह होने के सबूत हमें ला कर दिए। हमें सीसीटीवी फुटेज मिली, उससे साफ साफ पता चलता है कि आप एक्सीडेंट के पहले डॉक्टर सत्य की कार से उतर गए थे। आइए सर। सही, बड़ा थैंक यू, आज तुमने फिर एक बार विराट को बचा लिया। सच में सही, मैं तुम्हारा इन शब्दों में धन्यवाद कहूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने जो कहा था कर दिखाया, विराट को बेगुनाह साबित किया। मैं समझ सकती हूँ एक लड़की के लिए ससुराल वालों के खिलाफ जाना इतना आसान नहीं होता है। थैंक यू सो मच सही, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। आई प्लीज, थैंक यू अंकुल। हाय, आप तो जानती है ना इसे, आपको पता नहीं हमेशा सच का साथ देती है ना मिसेज अधिकारी। चलो अच्छा है, तुम्हारी इस आदत की वजह से आज मैं उस जुर्म से बरी हो गया जो मैंने कभी किया ही नहीं था। अश्विनी, तो जिस सई को विराट को बेगुनाह साबित करने के लिए थैंक यू बोल रही है ना, देखना एक ना एक दिन वही सई विराट की बर्बादी का कारण बन जाएगी। बहनी, मुझे तो डर लग रहा है कि कभी किसी दिन वो विराट की जान ही ना ले ले। सई के कारण मेरे घर में कभी सुख चैन नहीं मिला, किसी की नहीं सुनी, बस अपनी मनमानी और जिद की वजह से उसने विराट को हमेशा मुसीबत में डाला। अभी भी विराट उसी की वजह से हर दिन मुसीबत में फंस रहा है। पता नहीं ये सिलसिला कब तक चालू रहेगा। मुझे भी इसी तरह की चिंता खाई जा रही है, लेकिन सही के लिए। बेचारी दो घरों की जिम्मेदारियों में पिस रही है। मस्ता मस्ता, सही की चिंता हो रही है, उसे इतनी हमदर्दी मत दे। जो लोग दो दो नावों में सवारी करते हैं ना, एक ना एक दिन वो पानी में गिर ही जाते हैं। और तू देखना, वो दिन भी आएगा जब सई के पास कुछ नहीं रहेगा। वही सत्य का है, अब परवाह दिखाने का क्या फायदा। क्या बोल के गई थी, सत्या के डिस्चार्ज होने से पहले आ जाऊंगी। हमें तो कहीं नहीं दिखी तुम। वो मैं और दिखती भी कैसे गौरी, ये तो गई थी ना अपने एक्स हस्बैंड को बचाने के लिए और बचा भी लिया। जेल से छूट चुका है विराट और अब सत्या पर केस बन चुका है। अच्छा पत्नी धर्म निभाया तूने सही, बहुत अच्छा। सत्या पर केस, ये आपको किसने कहा? किसी इंस्पेक्टर कदम का फोन था, उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विराट को छोड़ दिया गया है। लेकिन उसी फुटेज में ये देखा गया कि सत्या शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और इसलिए अब सत्या पर शराब पीकर ड्राइव करने का केस बन रहा है। आई, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस मुझ पर बन रहा है, इसमें सही का क्या दोष है? गलती से शराब पी ली थी मैंने और देर से वेर ये बात इन्वेस्टिगेशन में आनी थी। वाह, एक ये जो अपने पहले पति की पैरवी करते थकती नहीं और एक ये मेरा बेटा जो हमेशा इसकी पैरवी करते रहता है। लेकिन सही, तू अपने पति अपने ससुराल वालों के बारे में कब सोचना शुरू करेगी? सही अपने ससुराल के बारे में कितना सोचती है, ये तो कल लावनी परफॉर्मेंस में पता चल गया था ना। सही की तारीफ करने की बजाय आप उसकी बुराई कर रहे हैं। तो मैंने की थी ना उसकी तारीफ, लेकिन अगर ये कोई गलत काम करे तो इसे सुनाना मेरा हक है सत्या।
लेकिन तू एक बात समझ नहीं रहा सत्या, शादी किसी एक के निभाने से नहीं निपटी। तू हर बार इसके लिए इस तरह से खड़ा हो जाता है ना सत्या, जैसे कि इस रिश्ते में सिर्फ तू है। सई के मन में तेरे लिए जज्बात ही नहीं है। दवाई इसके सही तुम बाहर रख दो, मैं खा लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सत्य मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि जब तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे थे तब मैं वहाँ नहीं पहुँच सकी, और उस वजह से आई को बुरा लगा होगा, इसलिए तुम्हें भी बुरा लग रहा है, और मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सुनने को भी मिला। फिर भी सबके सामने तुमने मेरे लिए आवाज़ उठाई, मेरी साइड ली, उसके लिए थैंक यू। तुम्हें कैसे बताऊँ सही कि मेरी नाराजगी सिर्फ आई की वजह से नहीं है, कैसे समझाऊं कि मुझे अपने लिए भी बुरा लग सकता है। तुम ठीक कह रही हो सही, मुझे बुरा लगा क्योंकि मेरी आई को बुरा लगा, क्योंकि उसके बेटे की बीवी उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने नहीं आई, इसलिए मुझे लगा कि आई के सामने तुम्हारा पक्ष लेना सही रहेगा, उन्हें बताना सही रहेगा कि तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आ पाई, शायद उनका गुस्सा इससे कम हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हारी साइड ली थी। लेकिन अब ये नाटक करने की क्या जरूरत है सही, आई तो यहाँ नहीं है ना, तो ये केयर करना, ये दवाई देना, ये ओवर कॉम्पेंसेट क्यों कर रही हो तुम? मैं भी एक डॉक्टर हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, प्लीज ये सब मत करो। रुको, पहली बात तो ये कि मैं ओवर कॉम्पेंसेट नहीं कर रही, मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो गए, और दूसरी बात ये कि प्लीज ऐसे मुंह लटका के मत बैठा करो ना। मैं तो उस सत्या को जानती थी जो हमेशा खुद भी हंसता रहता था और अपने आसपास वालों को भी हंसाता रहता था, सीरियस से सीरियस सिचुएशन में भी अपने गंदे गंदे जोक्स मार के लोगों को हंसाने में मजबूर कर देता था। तो प्लीज मुझे ऐसा महसूस मत कराओ ना जैसे कि तुमने शादी करके कोई गलती कर दी है और मेरी वजह से तुम ऐसे उदास हो गए हो। मुझे अपने उदासी की वजह मत बनाओ सत्या, प्लीज दवाई खा लो, हाँ गुस्सा छोड़ दो प्लीज। कहाँ जा रहे हो? गुस्सा छोड़ने, बाहर अंधेरा है ना, उसे डर लगेगा। अरे वाह डॉक्टर साहब, मतलब पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुए और किचन ड्यूटी ले ली। बस अब तुम वर्ल्ड्स बेस्ट शेफ की हेल्प करो और इसमें से पढ़ के मुझे बताओ। इतनी पुरानी हैंड रिटन रेसिपी बुक, मतलब इंटरनेट के जमाने में ये खजाना कहाँ हाथ लगा? ये आईकियर रेसिपी बुक है, पता सही जब मैं छोटा था ना तो कोई भी कॉम्पिटिशन जीता था ना तो भाई मेरे लिए एक अच्छी डिश बनाती थी और उसकी रेसिपी इसमें लिखती। अब रेस्टोरेंट में जाने के पैसे तो होते नहीं थे तो आई बस मेरे लिए सुपर शेफ बन जाती थी। नेक्स्ट क्या है? बाकी तुम्हारी आई ना कमाल है, वो सिर्फ सुपर शेफ नहीं है, सुपर आई है। वैसे उनकी इस बुक में से क्या बना रहे हो? पोन्नी सा बात, आई का फेवरेट। अब पिछले दिनों में इतना कुछ हुआ आई के साथ, उनको बहुत बुरा लगा, और तुम तो जानती हो सही कि मैं कुछ ही बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन मेरी आई को बुरा लगे वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ऐसी हालत में ज़ारा कुछ तो कर नहीं सकता, तो मैंने सोचा आई की फेवरेट डिश ही बना दूं। सुबह सुबह इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी सत्तू? तुझे डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है ना? मौशी मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और ये सब लाइनें ना हमें बोलनी पड़ती है पेशेंट्स को, अब ये तो बोल नहीं सकते कि चलो फुट लो यहाँ से बेड खाली करो। और वैसे भी सारी मेहनत तो सही ने किया।
सत्या, तुम चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, लेकिन आई को टेस्ट करते ही पता चल जाएगा कि फोड़नी चपात तुमने बनाया है। आई जरा टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। बहुत अच्छा बना है। अरे वाह, ये देखो आज अखबार में क्या खबर छपी है। पढ़ के सुना क्या लिखा है। नागपुर पुलिस विभाग के सम्मान समारोह में इस बार महाराष्ट्र के लोक नृत्य लावणी को किया गया प्रोत्साहित। आगे सुनो। लावणी नृत्यांगना सुश्री अचला पाटल, सुश्री अंबा अधिकारी, सुश्री मधुरा केंकरे और सुश्री गौरी महाजन ने किया अनोखा नृत्य का प्रदर्शन। वाह, आज मैं अपने घर की सारी लेडीज पे बहुत प्राउड हूँ। आप सब लोग अपने अपने ऑटोग्राफ दे देना खाना खाते, ठीक है? चुप कर रहा मैं बस। एडिशनल कमिश्नर सीनियर आईपीएस अधिकारी श्री विजेंद्र गाड़गे अब नागपुर के पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किए गए। तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा पौसा मोटा। बीजू काका, आप इतने सालों बाद आप कहाँ हैं? अरे बड़ा, मी तुझ्या शहरामध्येच आहे। तुम नागपूर के नए पुलिस कमिश्नर से बात कर रही हो? रियली? अरे वाह, कंग्रेचुलेशन। लेकिन आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे कहाँ से मिला मतलब? तुम्हारी पूरी खबर रखता हूँ मैं। तुम्हें क्या लगा अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे ये पता नहीं चलेगा? तो कब मिलने आ रहे हो आप मुझसे? बहुत जल्द, चाहे कुछ भी हो जाए। सत्या की मुलाकात उसके बाबा से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका जब मन करे अब मुझसे मिलने आ जाना। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा, तुमसे मिलूंगा और तुम्हारे पति से भी मिलूंगा। सभी तुम विनायक और सभी को कहां ले जा रही हो? क्या हुआ बाबा, आप कुछ सपना देख रहे थे? बताओ बाबा, क्या सपना देख रहे थे आप? पता नहीं बड़ा, लेकिन जो सपने में देखा वो कभी हकीकत नहीं था। या शायद मैं कभी उसकी हकीकत नहीं देख पाया। ये सब छोड़ो और ये बताओ, आज सुबह सुबह मेरे कमरे में कैसे? बाबा, डॉक्टर सत्या का हाथ फ्रैक्चर हो गया है ना, तो मुझे उनसे मिलने जाना है। प्लीज आप मुझे उनके घर ड्रॉप कर दोगे? अपने मोहित चाचू को बोल दो, वो ड्रॉप कर देंगे, मुझे आज काम है। नहीं बाबा, प्लीज आप ही मुझे ड्रॉप करने चलो ना, मुझे आपके साथ जाना है।
रीनू। रीनू जिद नहीं करते बड़ा, वही चाचू है ना, लेके जाओ ने और जल्दी जाओ। ओके, मैं अपने सारे टॉयज लेकर जा रहा हूँ और डॉक्टर सेट भी। अरे जाओ भाई जल्दी जाओ। भाई अगर आप फिर से सही की बात करने वाले हैं तो मुझे कोई बात नहीं करनी है प्लीज। चलो ठीक है, तुम्हारे बारे में तो बात कर सकती हूँ ना, कब तक ऐसे चीजों को टालते रहोगे तुम, अपने बच्चों से ऐसे बहाने बनाते रहोगे। अरे भाई जैसे तुम सभी के बाबा हो वैसे ही सही बीनू की आई है ना, एक ही शहर में रहते हो, ये तो चलता रहेगा आना जाना, कभी सही यहाँ आएगी, कभी बीनू वहां जाएगा, कभी वो तुम्हें ले जाने की जिद करेगा, तो क्या आज की तरह ऐसी बातों को टालते रहोगे, अपने आप को कमरे में बंद करके खुद ही को तकलीफ देते रहोगे? किसने बोला कि मैं तकलीफ में हूँ? कोई तकलीफ नहीं, मुझे बहुत खुश हूँ आई, क्योंकि मैंने किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाई, रख ही नहीं रहा उम्मीद में, किसी का इंतजार नहीं कर रहा मैं आई। हर तकलीफ का जड़ उम्मीद होती है, जब उम्मीद ही नहीं लगाई है तो तकलीफ कैसी? बरोबर है विराट, लेकिन फिर आई बस कोई बात नहीं करनी है। बीमार आदमी पर अत्याचार हो रहा है। अच्छा, और ये बीमार आदमी अपने पर खुशी खुशी अत्याचार करवा भी रहा है। अच्छा बच्चों, गर्मा गर्म पूरन पोली किसको खानी है? मुझे, मुझे, मुझे। जाओ रेडी है। चलाओ तुम ये मजाक। वैसे ना ये हेयर स्टाइल तुम्हें बहुत सूट करता है, तुम ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है मैं ना मैं ठीक कर देती हूँ। ओके प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।